ये रील्स स्कोप फिल्म प्रोडक्शन का सबसे पहला एल्बम है और नवरात्रि है बोल के हम लोग ने सोचा कि रिकॉर्ड किया जाए रिस्पांस फ़िलहाल अच्छा आ रहा है उम्मीद है कि ऐसे रिस्पांस अच्छा आते रहे माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहे हम सभी पे और आप सभी से भी उम्मीद है कि आप सब लोग ज़रूर देखें और जितना अच्छा आप लोग उसको फीडबैक दीजिए जैसा भी रहे आप लोग को कैसा लगे मैं काफ़ी ईगर हूँ आप लोग का रिस्पॉन्स जाने के लिए आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है तो ये भी चाहूँगा कि आज के माहौल में आप देख रहे हैं भक्ति का जो माहौल है काफ़ी माहौल है लेकिन फिर भी काफ़ी कम हुआ है अगर पहले के मतलब मुकाबले का देखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे कितना चुनौतीपूर्ण रहा है इस तरह का भक्ति एल्बम बनाना मार्केट में आपके लिए देखिए हर चीज़ में चैलेंजेस होते ही हैं हर रोज कुछ ना कुछ नया अपग्रेड मार्केट में आता रहता है बट अब एज पर द फेस्टिव सीजन है तो अभी नवरात्रि के नौ दिन रहेंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी जगह माँ दुर्गा के गाना बजेंगे लगभग हर जगह वही चलेंगे तो एज़ पर द टाइम हर चीज़ अपग्रेड होता रहता है चेंजेस और आज भी काफ़ी ऐसे एक बेस हैं जहाँ पे आज के टाइम पे भी भक्ति को काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है तो मेरे हिसाब से टोटली फाइन है सुनने वाले ज़रूर सुनेंगे और लोग बिल्कुल मुझे उम्मीद है पसंद भी करेंगे गाना को और आगे वाले आने वाले जनरेशंस भी जो भी करेंट जनरेशन हैं आने वाले आगे के जेनरेशन भी मोस्ट प्रोबेबली फॉलो करेंगे अपने इंडियन कल्चर को भक्ति कल्चर को एंड मे बी दे मे टेक इट फॉरवर्ड और जो रियल स्कोप आपने एंटरटेनमेंट किया क्या आपका आगे का मकसद है uh, रियल स्कोप फिल्म इंटरनेशनल खोलने का मकसद ये था कि जो न्यू टैलेंट्स हैं आज के टाइम पे hmm. उनको आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है मतलब ऐसा आप देखने जाएंगे काफ़ी स्ट्रगलर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बट उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बेस नहीं मिल रहा है तो हमारा यही पूरा कोशिश है कि आगे चल के हम जो भी अभी बनाए एल्बम बनाए म्यूज़िक्स बनाए मूवीज़ बनाए वेब सीरीज़ शॉर्ट फिल्म जो भी बनाए आगे की चीज़ें तो उसमें हम सबसे पहले कोशिश करेंगे हम न्यू फेसेस को लें उनको लॉन्च करें मैं प्रोडक्शन के हिसाब से ऐसा और ऐसी कोई प्लानिंग है इसके अलावा कि भक्ति पे आपका जोर होगा कि और क्या प्लानिंग है इसे? नहीं देखिए स्पेसिफिकली भक्ति पे नहीं अब एज़ पर सीजन नवरात्रि था तो हमारी ये भी है कि आने आगे चलते हुए अभी महाशिवरात्रि आएंगी होली आएंगी तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी कुछ गाना वगैरह बनाएं कुछ अच्छा सोचें फिलहाल अभी इसके बाद हम सोच रहे हैं कि कुछ और म्यूज़िक्स वगैरह बनाएं वेब सीरीज़ बनाएं ये सारी अभी हमारी प्लानिंग चल रही है बट अभी हमने उतना कुछ सोचा नहीं है बट पूरी उम्मीद है कि हम काफ़ी अच्छा ले चलेंगे कुछ अपने बारे में बताइए आपको बैकग्राउंड क्या बेसिकली आप क्या, आ, क्या बेसिकली मैं ग्रेजुएट हूँ एंड मैंने मेरे तीन नॉवल्स लिखे हैं मेरे मार्केट में इंटरनेशनल वेज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड में तीन नावल्स मिलते हैं तीनों के नाम एक एलेक्जर ऑफ़ फ्रेंडशिप है हेवन इन योर आइज़ और मेल्टेड हार्ट फ्रोजन फीलिंग्स ये तीन नॉवेल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड पब्लिश हैं और साथ में रहते हुए थोड़ा सा क्रिएटिविटी मैं बोला लिखने के अलावा और क्या तो मैंने काफ़ी सारे मतलब जैसे सब टी वी पर चिड़ियाघर सीरियल आई करती थी उसमें मैंने एक साल डायरेक्शन किया तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल आया उस पर मैंने दो तीन एपिसोड्स लिखे ऐसे ही धीरे धीरे डायरेक्शन किया राइटिंग किया धीरे धीरे अपन सोचे कि मैं कि हम खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोल दें ये सोच के हम लोग ने खुद का एक प्रोडक्शन हाउस ओपन किया थैंक यू सो मच अच्छा ये जो रील्स को फिल्म इंटरनेशनल जो हम लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया है बेसिकली वो हम लोगों ने ये सोच के चालू किया है कि हमारे यहाँ पे हम इतना टैलेंट है हमारे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में इतना लेकिन वो सही प्लेटफॉर्म पे शोकास नहीं हो पाता है जिस वजह से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है हमारी कंपनी उनको प्लेटफॉर्म दे उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए और जैसे कि नवरात्रि है हम सबको मालूम है तो ये एक हमें एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल गई कि एक शुभ कार्य जैसे हम माना जाता है शुभ कार्य के हिसाब से हम लोगों ने नवरात्रि का गाना लॉन्च किया है और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे बहुत खुशी है इस बात की Uh, मैं बस यही जानना चाहूंगी कि जो ऑडियंस है बिकॉज ऑडियंस हमारे वही सब कुछ है उनके बिना हम कुछ नहीं ऑडियंस को कैसा लगता है मुझे बस यही जानना है उनसे अनूप जी जुड़े जी जी हैं तो, है, और आपके है, कंपोजर जी हैं उनके क्या कहना चाहेंगे कितना सहयोग मिला उनसे आपको uh, अनूप जलोटा सर जो है भजन सम्राट के नाम से हम उनको जानते हैं ऑब्वियसली उनके साथ में काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ने जब उनको अप्रोच किया अनूप जलोटा सर को साधना सरगम मैम को दिलीप सेन सर को तो उन्होंने बेझिझक हम लोगों को सीधा हाँ बोल दिया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि, कि हमारा पहला एल्बम इतने जाने माने लोगों के साथ में निकला है तो आगे भी बढ़ेंगे तो ऐसे ही बढ़ेंगे कुछ आपके जानना आपका क्या बैकग्राउंड पढ़ा में पढ़ाई वगैरह कहाँ से किया जी बेसिकली मैं प्रोफेशनली एक एच मैनेजर हूँ तो so बेसिकली मैं एच आर एडमिन देखती हूँ ऑफिस के uh, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है एंड uh, ये फील्ड में मैं बचपन से बहुत ज़्यादा पैशनेट थी इस चीज़ के लिए डांसिंग मेरी हॉबी है बचपन से और uh, मेरे स्कूल कॉलेज टाइम्स में मैंने बहुत से ऐसे एल्बम्स एंड नवरा गणपति के एल्बम्स हो गए नवरात्रि के एल्बम्स में मैंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया बट कुछ रीजंस के वजह से मैं नहीं कर पाई जो अब मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को वो काम दे के उनकी वो चीज़ें अपने पास ले सकूँ निर्माता के तौर पर एज अ प्रोड्यूसर मैं यही चाहती हूँ कि मैं नए लोगों को जो नए टैलेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकूं मैं एक, जैसे अभी हम लोग ने एक एल्बम बनाया है अब हम लोग आगे वेब सीरीज़ का सोच रहे हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज सोच रहे हैं हम लोग शॉर्ट फिल्म सोच रहे हैं मतलब हम लोग सिर्फ़ अब फॉरवर्ड देख रहे हैं हम लोग पीछे देखने का हमारे पास में कोई भी एक वैलिड रीज़न नहीं है और जितने भी नए टैलेंट हैं हम उनको ही काम देना चाहते हैं थैंक यू